हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। तो मैं फिर आप सबके संग जुड़ गया हूं और एक नया बच्चे लोगों का ड्राइंग लेके। तो आप लोग उस ड्राइंग को पूरा देखिएगा। और उससे पहले हम कुछ बताना चाहेंगे कि ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट कैसे लाया जाए। तो ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए आपको क्या करना है कि प्रकृति का ड्राइंग आप लोग जितना करिएगा उतना आप लोगों का अच्छा है, क्योंकि प्रकृति से हम लोग बहुत कुछ सीख पाएंगे और प्रकृति से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। तो आपको हम दिखाएंगे कि प्रकृति का ड्राइंग बनाने के लिए आपको किस तरह से, देखिए एक बार हम दिखाते हैं आपको। ये प्रकृति है, ठीक है ना। तो प्रकृति में हम आ चुके हैं, इसमें कितना सुंदर पेड़ है, हाँ कितना सुंदर से इसका कलर है, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर। तो इस प्रकृति को आप लोग बनाइएगा। तो जब भी बनाइए फ्री हैंड स्केच करने का प्रयास करिए, कि जितना आप फ्री हैंड स्केच करिएगा उतना आपके लिए बहुत ही अच्छा है। तो आप लोग इस प्रकृति को ध्यान से देखिए और इसका ये करिए। देखिए इसमें जैसे कि ये पेड़ है, इस पेड़ में कितना सुंदर से इसमें लाइट एंड शैडो इसमें आया है। तो लाइट एंड शैडो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, हाँ। तो इसमें हमको क्या होगा कि बढ़िया से ऑब्जर्वेशन मिलेगा। तो आप लोग इस प्रकृति का ड्राइंग को करने का प्रयास करिएगा। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करिएगा उतना आप लोगों का ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो ड्राइंग में इम्प्रूवमेंट करने के लिए आपको प्रकृति से बहुत सारा इंस्पिरेशन मिलेगा। आप लोग उस प्रकृति का ड्राइंग को ज़्यादा से ज़्यादा बनाइए और प्रैक्टिस करिए। बिना प्रैक्टिस का आप लोग इम्प्रूवमेंट कभी नहीं कर पाइएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही मेन चीज़ होता है इम्प्रूवमेंट करने के लिए। पहले फ्री हैंड स्केच करिए, फ्री हैंड एकदम। पेंसिल लीजिए और पेपर लीजिए, कहीं पर भी कुछ मिलता है उस चीज़ को आप लोग बनाइए, भरपूर बनाइए। तो आप लोगों का इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा आएगा। इसी तरह आप लोग ड्राइंग बनाते रहिए और मेरे बच्चे लोगों का ड्राइंग आप लोग देखते रहिए, हाँ। इससे आपको बहुत सीख मिलेगा और बनाते रहिएगा। इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत कुछ चीज़ें हम लोग का ज़रूरत पड़ता है कि ऑब्जर्वेशन, जितना डिटेल्स में हम लोग देखेंगे उतना डिटेल्स में हम लोग बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बच्चों लोगों का प्रोजेक्ट वर्क।